अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। आज के लेक्चर में हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे इस कन्वेंशन के क्या एम है, क्या गोल्स हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद हम इसके सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास इसके दो एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है CBD। ये कन्वेंशन एक कॉन्फ्रेंस में बनी थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म है UNCED। और ये कॉन्फ्रेंस 1992 में अर्थ समिट में रियो डी जनेरो ब्राज़ील में बनी थी। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मतलब इसे बहुत सी कंट्री ने मिलकर फ्रेम किया। इस एग्रीमेंट में सारे स्पीशीज़, इकोसिस्टम और जेनेटिक रिसोर्सेज आ जाते हैं। स्पीशीज़ में हमारे पास छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर प्लांट्स और एनिमल आ जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम जैसे कि वेट लैंड, ओशन और फॉरेस्ट, मतलब इसमें सब कुछ आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का हमें पता है कि ये हम वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को कहते हैं। इसमें हमारे पास स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, मतलब कि सब कुछ आ जाते हैं। तो इस कन्वेंशन में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जाए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस की तरफ जा रही है। इसलिए ये कन्वेंशन बनाई गई है ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। इस कन्वेंशन के कुछ एम्स थे। इसमें 3 मेन गोल्स पे फोकस किया गया था। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बचा के रखना ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और नेचर हार्मनी में रहे। फिर इसके बाद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। सस्टेनेबली मतलब कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी भी नीड्स फुलफिल की जाए और जो फ्यूचर की जनरेशन है उनका भी ख्याल रखा जाए, उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। और थर्ड एम था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज से जितने भी बेनिफिट्स आ रहे हैं उनको फेयरली और इक्विटेबली नेशनली और इंटरनेशनली शेयर किया जाए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास जेनेटिक रिसोर्सेज नहीं है और कुछ ऐसी हैं जिनके पास एक्सेस अमाउंट में जेनेटिक रिसोर्सेज प्रेजेंट है। इसलिए ये एम बनाया गया था ताकि सब कंट्रीज़ में इक्वली जेनेटिक रिसोर्सेज से बेनिफिट लिया जा सके, इक्वली बायोडाइवर्सिटी को यूज़ किया जा सके। इस कन्वेंशन को बहुत सी कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया इसलिए था ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसे ख़त्म किया जाए और सब कंट्रीज़ मिल के इक्वली बायोडाइवर्सिटी से बेनिफिट ले सके। इसे अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। इस ऑब्जेक्टिव में अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने पर फोकस किया गया। और ये हम किस तरह से कर सकते हैं, इकोसिस्टम और स्पीशीज़ को कंजर्व करके। इकोसिस्टम में मैंने अभी आपको बताया, इसमें हमारे पास वेटलैंड, फॉरेस्ट और ओशंस आ जाते हैं। इसके अलावा स्पीशीज़ में हमारे पास हर तरह के स्पीशीज़ आ जाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल। तो इकोसिस्टम और स्पीशीज़ को कंजर्व करके और इन स्पीशीज़ में मौजूद जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि फिशरीज, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, इनको सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। अभी की जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स भी फुलफ़िल की जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उनका भी ख्याल किया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि ये रिसोर्सेज उनके लिए भी अवेलेबल है, मतलब उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। और लास्ट ऑब्जेक्टिव था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। CBD का ये एम था कि जेनेटिक रिसोर्सेज से जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं जैसे कि फार्माक्यूटिकल्स और ऐसे क्रॉप्स जो यूनिक जेनेटिक मटेरियल से डेवलप होते हैं उनको फेयरली और इक्विटेबली शेयर किया जाए, स्पेशली ऐसे कंट्रीज़ और ऐसी कम्युनिटीज़ जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है उनको ये जेनेटिक रिसोर्सेज इक्वली और फेयरली शेयर किया जाए। इस ऑब्जेक्टिव का एम था कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास जेनेटिक रिसोर्सेज नहीं होते और कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास ज़्यादा अमाउंट में जेनेटिक रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं,
तो उन कंट्रीज़ को चाहिए कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ इन रिसोर्सेज को इक्वली और फेयरली शेयर करें, इंटरनेशनली भी मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी और नेशनली भी मतलब अपने स्टेट और अपनी सिटीज़ के साथ भी इन रिसोर्सेज को इक्वली शेयर करें। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में दो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स बनाए गए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2003 में बायोसेफ्टी पे बनाया गया। जितने भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बायोसेफ्टी पे ये प्रोटोकॉल बनाया गया, और नगोया प्रोटोकॉल 2010 में एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग पे बनाया गया। बेसिकली हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, उस पर यह प्रोटोकॉल बनाया गया। अब हम देखते हैं इन प्रोटोकॉल का क्या एम था और कौन से की प्रोविजंस थे। सबसे पहले हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल को बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये प्रोटोकॉल 2000 में अडॉप्ट किया गया था और 2003 में इस पर वर्किंग स्टार्ट की गई थी। कार्टेजिना प्रोटोकॉल CBD का पार्ट है और ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब अगर कोई कंट्री इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती तो उस पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस किए जाएंगे, उन पर इंटरनेशनली केस फाइल किए जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है इसको सब कंट्रीज ने मिलकर बनाया तो इनके रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी मैयर से रिलेटेड है, मतलब जितने भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम LMOs कहते हैं उनकी बायोसेफ्टी से। जब भी कोई कंट्री इन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म को एक्सपोर्ट करेंगे तो जिस कंट्री ने इम्पोर्ट किया उन पर इन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, इस चीज़ पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल फोकस करते हैं। बेसिकली ये प्रोटोकॉल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को सेफली ट्रांसफ़र करना और सेफली हैंडल करने पर फोकस करते हैं। अब ये किस तरह से किया जाएगा, इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट जिसे AIA भी कहा जाता है, और बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट में जो कंट्री इन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करेगी वो इम्पोर्ट करने वाली कंट्री को इन्फॉर्म करेगी कि इन रिसोर्सेज में कौन कौन से रिस्क हैं, कौन कौन से हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं और इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। फिर उसके बाद इम्पोर्ट करने वाली कंट्री ये डिसाइड करेगी कि उनको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मंगवाने हैं या नहीं। और बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इनके कौन कौन से हार्मफुल इम्पैक्ट हैं और ये किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कंट्री इम्पोर्ट कर रही है उसे पता चल जाएगा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वो उनको मैनेज कर पाएंगे। तो बेसिकली बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनके हार्मफुल इम्पैक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो ओवरऑल कार्टेजिना प्रोटोकॉल का क्या एम है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को सेफली ट्रांसफ़र किया जाए, इसे प्रॉपरली हैंडल किया जाए और इसको सेफली यूज़ किया जाए। फिर नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल को बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी कहा जाता है। ये प्रोटोकॉल 2010 में अडॉप्ट किया गया था और ये भी लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉरेन इलजिटिमेट बायो प्रोस्पेक्टिंग से सेव करता है। इसमें बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के जेनेटिक रिसोर्सेज को देख रहा है, उसको असेस कर रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है कि उसको प्रॉपरली किस तरह से यूज़ किया जाए, किस तरह से उसे सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। तो अब उस कंट्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरी कंट्री को जिसके जेनेटिक रिसोर्सेज पे वो रिसर्च कर रहे हैं उसको भी इसका बेनिफिट दे, जो रिसर्च वो कर रहा है उसका बेनिफिट दे। लेकिन अगर वो ये बेनिफिट नहीं दे रहा तो इस चीज़ से फिर नगोया प्रोटोकॉल डील करती है। तो बेसिकली नगोया प्रोटोकॉल का क्या एम है, जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके बेनिफिट्स को फेयरली और इक्विटेबली सब कंट्रीज़ में शेयर किया जाए। फिर इसके बाद लास्ट पे नगोया प्रोटोकॉल ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था जिसके 20 टारगेट्स थे, इसे RG टारगेट भी कहा जाता है। इनमें से कुछ अब हम देखते हैं। सबसे पहले एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस वजह से हो रहा है, इस चीज़ पे फोकस किया जाए। फिर इसके बाद रिड्यूस द प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस किया जाए, उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए। सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल, हर लेवल पे हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से बचा सकते हैं, इसमें नेशनल इंटरनेशनल और लोकल लेवल आ जाते हैं। और इन्हेंस द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको किस तरह से इन्हेंस किया जाए, इसे सस्टेनेबली इन्हेंस करना है। तो ये हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल के कुछ टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को RG टारगेट कहा जाता है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है, फिर हमने देखा है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के क्या एम्स थे, इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, और इसके प्रोटोकॉल का हमने डिस्कस किया। इसमें हमने इसके दो प्रोटोकॉल देखे, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के बारे में हमने क्या देखा है कि इसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है CBD। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मतलब सब कंट्री ने मिलके इस कन्वेंशन को बनाया है। फिर इसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के एम्स देखे। इसमें इसके 3 मेन गोल्स है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। फिर इसके बाद हमने इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव देखे। सबसे पहले हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया जाए। बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास सारे स्पीशीज आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें हर तरह के इकोसिस्टम आ जाते हैं, जैसे कि वेट लैंड, फॉरेस्ट और ओशन, और जेनेटिक रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो इसमें मेनली अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, इस चीज़ पर फोकस किया गया। फिर इसके बाद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जितने भी बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज है जैसे कि फिशरीज, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, उनको सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। सस्टेनेबली मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स भी पूरी की जाए, और जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए, उनकी नीड्स को भी पूरा किया जाए। और फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। इसमें हमने देखा था कि जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज है जैसे कि फार्माक्यूटिकल और क्रॉप्स, उनको फेयरली और इक्विटेबली नेशनली और इंटरनेशनली शेयर किया जाए, स्पेशली ऐसी कंट्रीज और ऐसी कम्युनिटीज़ जिनके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उनके साथ ये रिसोर्सेज शेयर किए जाए। और फिर लास्ट में हमने बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के दो प्रोटोकॉल देखे, कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 में अडॉप्ट की गई थी और 2003 में इस पर वर्किंग की गई थी। ये एक लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है, इसमें बायोसेफ्टी मेजर्स पे फोकस किया गया था, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बायोसेफ्टी पे। जब इनको ट्रांसफ़र किया जाए, जब इनको एक्सपोर्ट किया जाए, तो इनको सेफली एक्सपोर्ट किया जाए। इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट और बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। और नगोया प्रोटोकॉल 2010 में अडॉप्ट की गई, ये लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। इसमें बायो प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस किया गया कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के जेनेटिक रिसोर्सेज पर रिसर्च करेगी तो वो उसका बेनिफिट उस कंट्री को भी देगी, और अगर वो बेनिफिट नहीं देगी तो इस चीज़ पे फिर नगोया प्रोटोकॉल एक्शन लेगी। इसमें नगोया प्रोटोकॉल ने कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए थे, जिसमें इन्होंने 20 टारगेट्स रखे थे, जिसे आर्ची टारगेट्स कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन की समझ आ गई होगी। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।